नमस्कार, यूट्यूब भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। आज देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया। निर्मला सीतारमन ने कहा कि पिछला साल देश के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा है, ऐसे में ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब काफी संकट है। कोरोना काल के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गरीबों को गैस राशन की व्यवस्था दी गई। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह बजट 6 स्तंभों पर टिका है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब खुद पर भरोसा करना है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल को सड़कों का तोहफा मिला है। 2030 में नई रेल योजना शुरू होगी। बीमा क्षेत्र पर सरकार का बड़ा फैसला, एफडीआई को बढ़ाकर 74% किया गया है। कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा गया, किसानों के खाते में पैसा भी भेजा गया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कोरोना काल में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया। कोरोना काल में 5 मिनी बजट पेश किए गए। कोरोना काल में आरबीआई ने 27 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। सरकार ने जो आत्मनिर्भर पैकेज दिया वो जीडीपी का 13% है। पीएम गरीब कल्याण योजना कोरोना काल में लाई गई। अभी भारत में 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं, 2 और वैक्सीन आने की उम्मीद है। तमाम पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं आज बजट में क्या क्या पेश किया गया। पीएमजीकेवाई से 2.76 लाख करोड़ रुपए का आवंटन कोरोना काल में बजट तैयार किया गया। पीएम ने कोरोना वैक्सीन अभियान की शुरुआत की, जल्द ही 2 और वैक्सीन आएंगी। ये भी आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से इकोनॉमी को फायदा हुआ है। मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए की मदद जारी की गई है। ये सभी 5 मिनी बजट के समान थी। बजट ऐसे समय में आया जब काफी संकट था। आपको ये भी बता दें कि संकल्प भारत मिशन को लेकर निर्मला सीतारमन ने कहा कि किसानों को दुगनी आमदनी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा लक्ष्य है। कोरोना वैक्सीन के लिए वित्त मंत्री ने 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। ये भी जानकारी आपको दे दें कि 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए 2,28,846 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। फॉर कोविड-19 वैक्सीन इन दिस ईयर 21-22 आई एम कमिटेड टू प्रोवाइड फर्दर फंड्स if required. Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज बजट पेश किया। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, हालांकि कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। एनआरआई लोगों को डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। इसके अलावा स्टार्टअप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी उसे अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 75 साल से अधिक लोगों को आयकर में छूट दी गई है। 75 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों का टैक्स कम किया गया है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री ने संसद में कहा कि मैंने परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट शीर्ष में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि रखी है। इस व्यय के अतिरिक्त हम राज्यों और स्वास्थ्य निकायों को उनके पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी प्रदान करेंगे। ऐलान किया है कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है।
जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन परियोजना। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी और एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि आज देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछला साल देश के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा, ऐसे में बजट लाना मुश्किल था, लेकिन PMGKY से 2.76 लाख करोड़ रुपए का आवंटन कोरोना काल में बजट तैयार किया। पीएम ने कोरोना वैक्सीन अभियान की शुरुआत की, जल्द ही दो और वैक्सीन आएंगे। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से इकोनॉमी को फायदा हुआ है। मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया। सीधे चलते हैं हम रांची, जहां पर हमारे संवाददाता कमल मौजूद हैं। कमल, बजट पेश कर दिया गया है, क्या कुछ फायदे और यहां पर घाटा नजर आया? देखिए, कहीं ना कहीं झारखंड के संदर्भ को लेकर के खास करके व्यवसायी वर्ग जो चैम्बर है उनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड को फिलहाल कुछ नहीं मिला है। हालांकि देश के पैमाने पर भी जो उन्हें उम्मीद थी वो पूरी तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ सेक्टर्स थे जिनमें खास करके जो बुजुर्गों के लिए टैक्स में छूट दी गई है या फिर जो निजीकरण किए गए हैं, कई निजीकरण की भी बात आई है LIC या फिर एयर इंडिया को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी कुछ खास चैम्बर की ओर से नहीं कहना। अभी चैम्बर अध्यक्ष हमारे साथ हैं प्रवीण छाबड़ा जी, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ रहा इस बजट में, आम बजट में क्या कुछ इन्हें लग रहा है कि क्या होना चाहिए था और क्या कुछ मिला है। प्रवीण जी, क्या लग रहा है आम बजट जो आज पेश हुआ है उसको किस रूप में आप लोग? देखिए, ओवरऑल बजट को देखें तो फ्यूचरिस्टिक बजट है। सरकार को अभी कोविड के बाद जो वी शेप रिकवरी की हम लोग बात करते हैं तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग की बात उसके लिए बहुत आवश्यक है। तो बजट में हम लोगों ने देखा सभी सेक्टर में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रियल इस्टेट हो, सारे सेक्टर्स के अंदर में एक लॉन्ग टर्म योजना के तहत में स्पेंडिंग की बात कही गई है। अगर हम लोग स्टेट वाइज देखें तो झारखंड स्टेट को डायरेक्ट तौर पे कुछ नहीं मिला है, लेकिन बजट के अंदर में कुछ प्रावधान है जिसके अंदर में हमारी लोकल गवर्नमेंट केंद्र से बराबर पत्राचार करके इसके इस बजट का लाभ ले सकती है। जैसे कि टेक्सटाइल पार्क्स की बात कही गई है तो क्यों नहीं एक टेक्सटाइल पार्क हम लोग झारखंड के अंदर में ले हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में जो बात है उसके अंदर में जितने भी सेक्टर्स है उसमें आपके झारखंड की जो संभावनाएं हैं उसको खोज करके हमारी सरकार की तरफ से प्रपोजल हो तो वो रूट होकर के एक स्टेट को मिलता है। टैक्स जो भी रिफॉर्म्स होने वाले थे या टैक्सेशन के अंदर में जो छूट की बात थी उसके अंदर में हमारे हिसाब से ये बजट थोड़ा लैक करता है, क्योंकि ये पूरी उम्मीद थी कोविड के बाद में कि लोगों के हाथ में ज्यादा बचत हो उसके लिए टैक्स में छूट दी जानी एक स्वाभाविक सी बात थी कि हो सकता है उसकी लिमिट को बढ़ाया जाता या डिडक्शंस स्टैंडर्ड डिडक्शंस को बढ़ाया जाता। जो हम लोग सस्ते घरों की बात करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल अमाउंट पे छूट है उसको बढ़ाया जाना था। तो इस सेक्टर पे हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लैकिंग की बात रही। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रिटर्न फाइल नहीं करने की बात है वो सराहनीय कदम है। और GST के अंदर में हम लोगों को 7 रेट से कुछ कम रेट की उम्मीद थी कि भाई स्लैब को कुछ कम किया जाएगा, वो भी नहीं रहा, तो ये दुखद बात है क्योंकि टैक्स के सरलीकरण जो है वो इकोनॉमी को बूस्टअप के लिए अति आवश्यक है। निजीकरण को किस रूप में देखते हैं? देखिए, निजीकरण सरकार को कहीं ना कहीं एक फंड जनरेशन की अपनी एक व्यवस्थाएं होती हैं। हमारा उसमें इतना ही कहना है कि निजीकरण कहीं पे मोनोपोलिस्टिक नहीं हो जाए आगे जाकर के, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये बीमा कंपनियों को लेकर के जो है 74% विदेशी निवेश है, ये क्या? देखिए, ये निवेश कहीं ना कहीं क्या होता है कि सरकार की देखिए बाध्यताएं होती हैं कि वो हर सेक्टर में एक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती हैं, तो FDI के थ्रू अगर रूट होकर के वो इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि कई सारे चेक पॉइंट सरकार ने रखे हैं कि डायरेक्टर्स कितने इंडियन रेसिडेंट होंगे और वो सबको सरकार ध्यान में रखते हुए, तो ये कहीं ना कहीं एक कैपिटल इन्फ्यूज करने की बात है जिसके अंदर में सरकार भी सोचती है कि पैसा हम किस तरीके से लेकर के आए। एक चीज और प्रवीण जी, जो सरकारी बैंकों को 22,000 करोड़ रुपए कोविड खास करके कोविड के अर्थव्यवस्था जो गड़बड़ा है उसको लेकर दिया गया, तो वो किस रूप में आप लोग मानते हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या लग रहा है ये आम बजट?
देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बहुत ही अच्छा बजट आपने देखा होगा, और जो खासकर रूरल एरियाज में वेलनेस सेंटर की बात कही गई है, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। और सरकारी बैंकों को जो कैपिटल इन्फ्यूज करने की बात है, इसमें तो हमारा और अधिक मानना था कि बैंक्स को जो है, और बल्कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी आप पैसा और इन्फ्यूज कीजिए, सो दैट की मार्केट में कम से कम रेट के ऊपर में जो नई एमएसएमई यूनिट्स हैं उनको पैसा मिल सके। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सभी सेक्टर्स के अंदर में सरकार ने ध्यान रखा है, कुछ एक सेक्टर्स को जो टैक्स का मैंने आपको बताया उसको छोड़कर। तो कहीं ना कहीं जो चैम्बर अध्यक्ष प्रवीण छाबड़ा ने साफ तौर पे कहा कि कुछ सेक्टर में अच्छी पहल की गई, लेकिन जो और होना चाहिए था खास करके टैक्स लैब को लेकर के वो नहीं किया जा सका। अभी यहाँ चैम्बर के सदस्य भी हैं, उनसे जानते हैं वो किस रूप में इसे देखते हैं। ये बताइए कि आप लोग किस रूप में इसको देख रहे हैं, क्या होना चाहिए था? देखिए मैं संदीप नागपाल यहाँ पे रेलवे एडवाइजरी बोर्ड में हूँ मैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में विगत पिछले कई सालों से यहाँ पे इसका लाइफ मेंबर भी हूँ मैं, और रांची नागरिक समिति का सचिव भी हूँ मैं। आज का जो ये बजट, तीसरा बजट जी हमारे आदरणीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश जो किया गया है, ये एक आत्मनिर्भर भारत, जिसको कि नया भारत हम रूप से कह सकते हैं, ये बनने में सहायक सिद्ध करेगा आज का बजट जो है। और जहाँ तक मैं विगत पिछले कई सालों से देख रहा हूँ रेलवे का सेक्टर्स को, तो रेलवे के ऊपर में भी जो इन्होंने बजट पेश किया है, पर्यटन स्थल हो चाहे वो राज्य झारखंड राज्य की बात हो, तो मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आने वाले समय में, जैसे कि अभी आपने देखा भी है कि लगभग 11,000 करोड़ रुपए जो है वो बजट में लगभग रेलवे को दिया गया, और पर्यटन स्थल में भी नए रूप से जो ट्रेन चलाई जाएंगी उसमें नई किस्म के डब्बे लगेंगे, जो कि विगत एक ऐतिहासिक होगा ये भी लेकर के। और मेट्रोज की भी बात हो रही है कि 1016 किलोमीटर लगभग 24 शहरों में मेट्रो की रेल लाइन बिछाई जाएंगी, ये भी एक नायाब चीज़ होगा। तो मैं अपने नज़रिए से इस बजट को ऐतिहासिक बजट कहना चाहूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो चैम्बर की ओर से दोनों बातें आई हैं, एक तो झारखंड के संदर्भ में जहाँ तक बात है, तो उसको लेकर के साफ तौर पे कहना है कि कुछ विशेष नहीं मिल पाया, और टैक्स लैब को लेकर के भी कुछ विशेष नहीं छूट मिल पाई जो उम्मीद थी लोगों को, खास करके कोविड को लेकर के। लेकिन चूंकि स्वास्थ्य सबसे अहम है, और स्वास्थ्य को लेकर के एक अच्छा जो वैक्सीनेशन के लिए 32,000 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है, ये एक अच्छी बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर के ऐतिहासिक बजट मान रहे हैं चैम्बर के लोग, हालांकि उन्हें जो उम्मीद थी वो पूरी तरह से नहीं मिल पाई। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हम सीधे चलते हैं जमशेदपुर, जहां पर अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया, 6 स्तंभों पर बजट टिका है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब खुद पर भरोसा करना है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल को सड़कों का तोहफा मिला है। 24 शहरों में मेट्रो की लाइनें बिछाई जाएंगी। आपको बता दें कि नई रेल योजना भी शुरू की जाएगी। तो सीधे चलते हैं हम जमशेदपुर, जहाँ पर हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लोगों को काफी उम्मीदें थी, क्या क्या किस रूप में इसे देखा जाए? देखिए बिल्कुल अमन, जैसा कि आपने बताया कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इस पर ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बहुत सारे लोग भी ये उम्मीदें कर रहे थे कि आखिरकार जो उनके लिए जो एक पक्षीय जो बातें आएगी वो टैक्स स्लैब को देखा जाएगा। झारखंड और झारखंड राज्यवासी भी ये तरीके से उम्मीद कर रहे थे कि झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी कई उम्मीदें जगाई जाएगी। झारखंड का जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है, औद्योगिक शहर में भी इस बजट के दौरान भी कुछ मिलेगा। इन पूरे मसले पर हम यहाँ के वीरेंद्र कुमार हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यहाँ के लीडर भी हैं और आजीवन के सदस्य भी हैं, इनसे हम पूरी तरीके से जानना चाहेंगे कि आखिर इस नए जो बजट है इस कोरोना पैंडेमिक में ये कैसा बीता है। पहले ये बताइए कि बजट में पूरी तरीके से कौन सी बात पे आप सहमत हैं और कौन सी चीज़ें जो आपको नागवार लगी है,
जो सिर्फ केंद्र सरकार एक तरीके से बस बता दी और चीजें समझा नहीं पाई। देखिए दरअसल इस बजट में सब चीज ओपन करके अभी बताया नहीं गया है। यूं कहें कि अभी बजट पूर्ण रूप से आया नहीं है, इसके लिए हम लोगों को देखना होगा कि सरकार आगे बजट इस बजट आज के बाद क्या कहती है और क्या चीजें लाती है, तब हम कह पाएंगे कि ये संपूर्ण बजट है। बहुत सी चीजें हिडन है जो बाद में आएंगी। वैसे कोरोना काल में जो हमारा कलेक्शन हुआ है, सरकार का टैक्स कलेक्शन के जो आया है, वो उतना उत्साहवर्धक नहीं रहा है, इसलिए सरकार भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं ला पाई हैं और एक कह सकते हैं कि बहुत ही बैलेंस करके चलने की कोशिश की है, लेकिन मोटा मोटी अगर सब मिलाए कहें तो कोई उत्साहवर्धक चीज़ें नहीं है इसमें, जिससे कहा जाए कि हाँ आगे हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। अभी चीज़ें देखनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है, लेकिन वो क्या कर पाएंगे, सरकार के पास रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन कैसा आता है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा। अभी जो कलेक्शंस बढ़े हैं 2 महीने से पिछले, वो मेनली जो है बकाया जो जून जुलाई अगस्त में जो पैसे नहीं जमा कर पाए थे GST के मद में व्यापारी, वही पैसे हैं। कोई नया ऐसा नहीं है कि बिजनेस ग्रो किया और उसके कारण टैक्स के कलेक्शन बढ़े हैं, ये जो पुरानी जो पैसे बकाया पड़े हुए थे वो आए हैं। किसानों की आय की दोगुनी की बात कही जाती है, दूसरी बात ये भी कही जा रही थी झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के द्वारा कि उनके पास पैसे नहीं है, तो क्या केंद्र सरकार कुछ ऐसा नियम लाएगी या केंद्र सरकार के द्वारा कुछ ऐसी बात कही गई जिससे झारखंड सरकार के पास पैसे आएंगे, जिससे वो खर्च करने की शक्ति बढ़ेगी? दरअसल झारखंड ही नहीं, जितने तमाम स्टेट्स हैं उनको जो फंडिंग होती थी सेंटर से वो कम हो गई है, और झारखंड तो ऐसा कहा जाए कि नगण्य हो गया है। जो पैसे आते थे सेंटर से विभिन्न मदों में वो अभी आ नहीं पा रहे हैं, इससे स्टेट गवर्नमेंट भी परेशान है। तो ऐसा है कि कृषि में जो उत्पादन बढ़ाने की बात है, तो जब स्टेट गवर्नमेंट के पास आएंगे पैसे या सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कोई स्कीम है जो डायरेक्ट मदद करेंगी किसानों को, तभी जाके बेनिफिट होगा। जहाँ तक दोगुनी करने की आदत बात है तो आधी होती जा रही है। अभी जो MSP पर बातें जो चल रही हैं उसमें अभी मान के चलें कि झारखंड में 2200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान लेने थे, लेकिन मार्केट में जाके देखिए 1100 रुपये में किसान 1000 रुपये में 900 रुपये में क्विंटल बेच रहे हैं, तो डबल होने की जगह तो आधी हो गई है। तो सरकार को इसमें ठोस निर्णय लेना होगा। अभी आंदोलन भी चल रहा है तो उसमें MSP पर सरकार को कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारे जो किसान वो सर्वाइव नहीं करेंगे। MSME सेक्टर के जो कुछ लोग थे, जो छोटे जो बिजनेसमैन थे, उन्हें भी बड़ी उम्मीद थी, क्या उनकी उम्मीदों पे ये सरकार खरी उतर रही है और क्या इस बजट में उनके लिए कुछ लाया गया? देखिए जो भी ये होता है आइस स्केटिंग होता है, वो उसमें कुछ काम होते नहीं। अभी जो टैक्स में बढ़ाया गया है इम्पोर्ट पर, लेकिन सरकार को डेफिनेटली जो है इस भारत में जो बन रहे हैं सामान उनको लेना पड़ेगा। अभी हो क्या रहा है कि सामान तो बाहर से आते हैं, चाइना से आते हैं, चाहे विदेशों से आ रहे हैं, और उसका यहाँ लेबलिंग करके और या MSME के नाम पर बेचा जाता है। आप मैक्सिमम प्रोडक्ट देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड हो या कोई भी चीज़ें हो, वो विदेशों से आती हैं और यहाँ लेबलिंग करके और मेक इन इंडिया का नाम देकर बेचा जाता है, तो वो उससे MSME सर्वाइव नहीं करेंगे। MSME जो यहाँ प्रोडक्ट बना रही हैं उनको सरकार को कुछ डेफिनेट उपाय करने होंगे, जो वहाँ से डायरेक्ट परचेज करें या उसको ऐसी कुछ लॉ लाएं जो यहाँ की कंपनियाँ चाहे यहाँ के मार्केट में वो हमारी बनी हुई सामानें आवें, वो विदेशों की बनी और लेबल लगी इंडिया की, वो इससे MSME को फायदा नहीं होगा। एक जो नई बात जो इस बार पहली जी अभिषेक जी आपसे आगे भी हम जानकारियां लेते रहेंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल में 5 मिनी बजट पेश किए गए हैं। कोरोना काल में RBI ने 27 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। हम सीधे चलते हैं रांची, जहां पर हमारे संवाददाता हितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज पर जोर दिया और वो GDP का 13% है। PM गरीब कल्याण योजना कोरोना काल में लाई गई। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अभी भारत में 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं, 2 और वैक्सीन आने की उम्मीद है। यह बजट आपदा में अवसर की तरह है। अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए हमें आपदा में अवसर ढूंढना होगा। कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था में मौजूदा परेशानी आई, बीमारियों की रोकथाम बजट का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि
सोना चांदी तांबे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। आयकर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कई चीजों की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। कॉपर की ड्यूटी 2.5% और स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5% की गई है। मोबाइल फोन महंगा है हो सकता है क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5% की कर दी गई है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से इकोनॉमी को फायदा होगा। मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज, कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। तो आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि संकल्प भारत मिशन को लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों की दुगनी आमदनी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा लक्ष्य है। कोरोना वैक्सीन के लिए वित्त मंत्री ने 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। साथ में ये भी जानकारी आपको दे दी कि MSME खनन टैक्स क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। वहीं 100 से अधिक देशों को वैक्सीन दे रहे हैं। तो 5,00,000,000,000,000 इकोनॉमी के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डबल डिजिट ग्रोथ में ले जाना होगा। इसके लिए अगले 5 साल में 1.97 लाख करोड़ खर्च होंगे। तो सीधे चलते हैं हम रांची, जहां पर हमारे संवाददाता हितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, साथ ही लोगों का अब ये कहना है कि जिस तरह से वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई में सुधार किया जाएगा, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी भी उसमें सुधार नहीं किया गया है, क्योंकि पिछले बजट की तुलना में और अभी में क्या कुछ अंतर देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, पिछली बजट और आज इस बार के बजट को देखें तो ये कोरोना के बाद का बजट है। लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी और खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो 35,000 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर दिया गया है और 2,23,846 करोड़ रुपए का जो खर्च होने की बात कही गई है, इससे कहीं ना कहीं लोगों में एक संतुष्टि देखी, खुशी की लहर देखी जा रही है। लोगों में कहीं ना कहीं इससे राहत लोग खुद को महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य का क्षेत्र निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। इस वक्त हम हॉस्पिटल में खड़े हैं, राजधानी राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में खड़े हैं और यहाँ पर कुछ मरीज और कुछ जो स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइए कि क्या लगता है, जिस तरह से एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने फंडिंग किए गए, जो भी राहत शुरुआत की, उसको लेकर आप क्या देखते हैं? कैसे इस बार बहुत अच्छा हुआ कि पिछले साल से भी इस बार ज़्यादा बजट पेश किया गया है और 35,000 करोड़ यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण तो काफ़ी अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग पे जो खर्च किया जा रहा है वो आम लोगों तक पहुँच रही है। तो ये बहुत ही अच्छी की बात है कि हमारे राज्य में भी बहुत हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं इसकी। बिल्कुल, तो जो लोग हैं वह बजट से कहीं ना कहीं संतुष्ट दिख रहे हैं और जो लोगों में एक उम्मीद थी स्वास्थ्य को लेकर, लोग स्वास्थ्य में के क्षेत्र में जो व्यवस्था बनी हुई है खासकर झारखंड जैसे राज्यों में या अन्य राज्यों में भी, उससे लेकर कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती थी। खासकर गरीब तबके के जो लोग हैं वह कहीं ना कहीं परेशान होते थे। तो ये जो इस बार के बजट में वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास करने के लिए जो राशि प्रदान की गई है, इससे कहीं ना कहीं लोगों में राहत देखी जा रही है, लोग इससे संतुष्ट दिख रहे हैं। जी अमन जी, हितेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि बजट 6 स्तंभों पर टिका है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब खुद पर भरोसा करना है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल को सड़कों का तोहफा मिला है। 2030 में नई रेल योजना शुरू होगी। बीमा क्षेत्र पर सरकार का बड़ा फैसला है। FDI को बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा गया, किसानों के खाते में पैसा भी भेजा गया। कोरोना काल में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था। कोरोना काल में 5 मिनी बजट पेश किए गए। कोरोना काल में RBI ने 27,00,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सरकार ने जो आत्मनिर्भर पैकेज दिया वो GDP का 13% है। तो PMGKY से 2.76 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, कोरोना काल में बजट तैयार किया गया। PM ने कोरोना वैक्सीन अभियान की शुरुआत की। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जल्द ही 2 और वैक्सीन आएंगी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से इकोनॉमी को फायदा होगा। मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए की मदद जारी की गई है। आपको बता दें कि मोबाइल महंगा होगा क्योंकि उसकी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। वहीं पर यह भी जानकारी दे दें कि सोना चांदी तांबे की ड्यूटी घटा दी गई है। बजट ऐसे समय में आया जो काफी संकट से जूझ रहा था। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गरीबों को गैस भी दिया गया, राशन की व्यवस्था करने का काम भी किया गया। आत्मनिर्भर पैकेज कुल जीडीपी का 13%, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज और 40 करोड़ गरीब महिलाओं को मदद। कहीं ना कहीं महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। साथ में सबको शिक्षा देने की योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और निवेश। इस बार का बजट डिजिटल बजट है और आपको बता दें कि इस बजट को लेकर के लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए ईटीवी भारत।